उन मच्छरों को उनके बिल से बाहर निकालूंगा, उनकी खटिया स्टैंड कर दूंगा, उन्होंने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा है। आई डिस्ट्रॉयिंग द नीले छोटू। इस काम के लिए मुझे स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए। तुम देख रहे हो ऑल, यहाँ सिटिंग हम उन राक्षसों का पता लगावेंगे। तैयार हो गया अज़रियल, अब मुझे पता चल जाएगा कि वो छोटू गैंग कहाँ है। ओ मैजिक क्रिस्टल बॉल, मुझे दिखा दो कि वो गंदे सड़े हुए बेवकूफ कहाँ है। ये क्या है? अरे मेरा मतलब बेवकूफ नहीं, छोटू गैंग दिखा दो। ये हुई ना बात, लेकिन वो छोटू शैतान कहाँ है? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं। ओए अभी नहीं ग्रीडी। पहले कुछ पेश करो, फिर कैंडल्स बुझाओ ड्रीमी। मैं चाहता हूँ ऐसी दुनिया में उड़कर जाऊँ जहाँ आज तक कोई नहीं गया हो। मैं जा रहा हूँ उड़कर एक नई और अनजानी दुनिया में। सच कहूँ तो स्पेस में जाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये पहले क्यों नहीं सोचा? अब बस तेज हवा चले तो मैं उड़ रहा हूँ। अब मैं गिरने वाला हूँ। वाह क्या बात है, ये तो एक टेस्ट फ्लाइट थी लेकिन परफेक्ट लैंडिंग। हंस लो, पेट भर के हंस लो, लेकिन देख लेना मैं सितारों की सैर करने वाला हूँ। उड़ने वाले जादू का मंत्र, झाड़ू को जमीन पर पूर्व की दिशा में रखो और फिर जोर से बोलो, पिची कुची मुची छोटू गैंग। अरे अब उसे कैसे रोकूं? मुझे झाड़ू पसंद नहीं। इस मटके को निकालो प्लीज। तू वापस आता है या नहीं? पकड़ लिया। अरे वाह, मैं उड़ रहा हूँ। पता नहीं ये ब्रेक किसने लगा दी। ओ एक और एक्सीडेंट हो गया ना ड्रीमी। लेकिन लैंडिंग परफेक्ट करता है। तुम देख लेना, एक दिन सितारों तक जाऊंगा। कोशिश करूंगा, एक जोड़ी पंख बनाकर देखता हूँ फिर। नहीं नहीं, उससे भी काम नहीं बनेगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इस तरह मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ड्रीमी, अरे बाप रे, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था वो गंदी एज़रियल तुम्हें खाने वाली थी। एज़रियल कहाँ है वो? कहाँ है वो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मेरी सितारों पर सैर करने की बंदिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं उड़कर कभी वहाँ नहीं जा पाऊंगा। कभी नहीं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। ये क्या है? मैं जाऊंगा स्मफेट, मैं रॉकेट बनाऊंगा जो मुझे सितारों तक ले जाएगा। एक फ्लाइंग रॉकेट। वो यही कहीं आसपास है अज़रियल, मेरी नाक बता रही है। मच्छी के साथ उनकी चटनी बनाऊंगा।
मेरा मैजिक क्रिस्टल बॉल कैच एज रियल मेरा मैजिक क्रिस्टल बॉल सेफ आई बच गया। ओए बजा हार्मनी सॉरी सुनो सुनो सॉरी वो अपना एस्ट्रो स्मर्फ ड्रीमी अपने रॉकेट का उद्घाटन करने जा रहा है। पूरी स्मर्फ गैंग को इनवाइट किया जाता है कि उसकी बर्थडे विश को सच होता हुआ देखने आए जब वो सितारों की सैर पर जाएगा। मुझे माफ करना। देखा ये है मेरा फ्लाइंग रॉकेट पापा। ओए वैसे तो ये बड़ा धांसू रॉकेट है लेकिन ये तो बता ये काम कैसे करता है ड्रीमी। पेडल से पापा पेडल से। पेडल प्रोपेलर को चलाएगा और वो इस रॉकेट को हवा में उठाकर सितारों तक ले जाएगा। जोश में होश मत खाओ मैं कहता हूँ ये कभी काम नहीं करेगी। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ, शर्मानी चाहिए तुम उससे जल्दी हो ब्रेनी। ओए गुड लक एस्ट्रो स्मर्फ तेरी यात्रा सफल हो। गुड बाय। अरे वाह इससे हवा तो अच्छी आ रही है। हाँ ये बात तो है। मेरा मतलब है मुझे अच्छी हवा पसंद नहीं। देखा मैंने क्या कही थी ये नहीं उड़ेगी नहीं उड़ेगी। मैंने क्या कही थी ये नहीं उड़ेगी। ओ बेचारा ड्रीमी उसका नन्हा सा दिल टूट गया। एस्ट्रो स्मर्फ की पहली कोशिश तो फेल हो गई और इसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक ये सितारों की सैर नहीं कर लेता। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन वो उसकी बर्थडे विश है पापा। बिल्कुल सही कहा और स्मर्फ की सभी बर्थडे विश पूरी होती है ना पापा। हाँ मुझे जहाँ तक याद है तेरी बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये बात 543 साल पुरानी है ना। लेकिन पापा उसकी विश पूरी करने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ना। ओ हाँ स्मर्फिट बेटा मेरे पास एक आइडिया है जो शायद काम कर जाए। क्या अब मेरा रॉकेट सच में उड़ेगा पापा? ओए हैंडी ने चेक कर लिया है और जो भी खराबी थी उसने सब ठीक कर दिया है। यानी मैं इसी वक्त सितारों के सैर पर जा सकता हूँ? हाँ लेकिन पहले तुझे ये स्पेशल रास्पबेरी जूस पीना होगा। ये तुझे तेरे लंबे सफर में ताकत देगा। ओए प्रोपेलर घूम रहा है जल्दी करो धुएं के बादलों को उड़ाओ और रॉकेट को हिलाना शुरू करो। जब ऊपर वाली अकल बैठ रही थी तब तुम कहाँ चले गई थी? मैं कहा था मैं वो पता नहीं शायद तेरे साथ ही होऊंगा है ना बल। मुझे धुआं बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा रॉकेट हिल रहा है। ये तो रुक गया है और वो सो गया है। रास्पबेरी जूस का असर शुरू हो गया। ओए ड्रीमी को बाहर निकालो और रॉकेट को खोलो। रॉकेट के सारे हिस्से अलग कर दिए पापा। अब उन टुकड़ों को क्या कर रहे हैं? ओए कल हम इन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाएंगे। वो कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ, कितना मजा आएगा। मुझे सीक्रेट जगह अच्छी लगती है। ओए चार बूंदे खुशियों की साथ ही मैंड्रेक रूट का उबलता हुआ जूस। अब आ गई फैसले की गाड़ी। ओ वाह काम बन गया। बच्चे यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। सबके सब कैसे मटकते हुए जा रहे हैं। मेरे मुंह में तो वाटर आ रहा है। जल्दी एज़रियल इस बार डोंट मेक मिस्टेक। ए, अभी और कितनी दूर जाने का पापा? वो बस आने वाला है। और कितनी देर लगेगी पापा? ओए कुछ ही मिनट स्मर्फिट। कुछ मिनट बोल के आधा घंटा हो गया पापा। वो सामने ही है बेटा।
सामने तो सिर्फ ढलान है पापा। बस ढलान के नीचे। लेकिन वो तो बहुत पुरानी वोल्केनो है पापा। मगर तुम तो हमेशा ये कहते थे कि वोल्केनो से आग और धुआं निकलता है और न जाने क्या क्या। और तूने बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन ये वोल्केनो खत्म हो चुका है। मेरे को पहले से डाउट था कि ये खत्म हो गई है। जल्दी करो जल्दी करो, हमें ड्रीमी को सड़क पर लाना है, बहुत काम पड़ा है। काम 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 करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ, वो गंदा सड़ा हुआ बदबूदार छोटू गैंग यहीं से गुजरा है। उनके पैरों के डर्टी निशान देखे तुमने? जल्दी चलो, अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकते। क्या कर रही है, जल्दी कर। मेरी खोपड़ी में नाखून गड़ाती है, फिर तुझे दिखाता हूँ। देख लेना एज़रियल, एक दिन आई विल यूज योर बालू और बनाऊंगा अपना पिलो। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और इसे देखो, ये कितने आराम से सो रहा है। मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं। एक बात बता ग्राउची, वो क्या है जो हरा लाल और पीला है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और लंबे लंबे दांत हैं? नहीं तो क्या है वो? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो तेरी टोपी में रेंग रहा है। मुझे कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं। अब जल्दी से बताओ मेरे मैजिक क्रिस्टल बॉल, कहाँ है वो गंदे सड़े हुए प्राणी? अच्छा, तो वो उस पुराने वोल्केनो में है। वो यहाँ से दूर डिस्टेंस नहीं है, और उन कीड़ों को मसलने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। और जब ड्रीमी की आंखें खुलेंगी तो उसे लगेगा कि वो किसी दूसरे प्लैनेट पर है, और उस वक्त हम तैयार रहेंगे। और इसीलिए मैंने ये जादू की दवाई बनाई है जो हम सबको सूफ में बदल देगी। सूफ? वो क्या होता है पापा? ओए अभी दिखाता हूँ क्लमजी। ओए इसे कहते हैं सूफ। मैं हूँ ग्रैंडपा सूफ। ये मैं कहाँ आ गया? मैं किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गया हूँ। यही तो मेरा सपना था। वारी एक लैम्जी। हाँ, बड़ी स्माइल कर रहा है, उसे सच में लग रहा है कि वो किसी दूसरे प्लैनेट पर है। उसका भेजा नहीं भजिया है, जब भेजा बट रहा था ये जरूर सपने देख रहा होगा। उसे भेजा नहीं दिमाग कहते एक लैम्जी। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कह रहा था, भजिए जैसा भेजा। इस प्लैनेट पर कोई रहता भी है या नहीं? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अयोड़ा, मैं दोस्त आया हूँ बड़े रॉकेट में। व्रूम 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 व्रूम, आवर ग्रैंडपा सूफ से मिलो, सारे सूफ के सम्राट। सुनो, मुझे यहाँ से नीचे उतारोगे? नहीं तो रात भर यहीं लटका रहूंगा। और तू कहाँ से आया है? उस प्लैनेट का नाम है पृथ्वी, ग्रैंडपा सूफ। और तू दुश्मन है या दोस्त? मैं बड़ा दोस्त, बड़ा दोस्त। फिर हम पहले मीटिंग लेंगे और सोचेंगे, वही खड़े रहे। पता नहीं वो क्या करने वाले हैं मेरा। Excuse me. एज़रियल, हम पहुंच रहे हैं उनके क्लोज। उन्हें सूंघ रही है मेरी नोज। गार्गमेल, ओए पापा को बताना होगा, कहीं वो गुस्से से पागल ना हो जाएं। ओए सब सुनो, हमने फैसला ले लिया है। ओके। कि तुम हमारे दोस्त हो, दुश्मन नहीं। प्लैनेट सूफ पर तुम्हारा स्वागत है। वाह, थैंक यू वेरी मच ग्रैंडपा। हमारे नए दोस्त के सम्मान में दावत की तैयारी करो। आप कितने अच्छे हैं ग्रैंडपा, मुझे इस प्लैनेट पर बहुत मजा आ रहा है। ओए तू जल्दी से सो जा, कल सुबह अपने प्लैनेट पर जाने के लिए तुझे ताकत की जरूरत है। लेकिन मैं पृथ्वी कभी नहीं जाने वाला ग्रैंडपा, मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहना है। हमेशा के लिए? लेकिन तुझे जाना होगा। ग्रैंडपा सूफ, ग्रैंडपा सूफ।
ओए कहाँ? गार्ड्स, हमारे नए दोस्त को बंद कर दो और उसे बाहर मत जाने देना। ओए गार्गमेल आदम का है, एस्ट्रो स्मर्फ उसे देख ना पाए वरना वो जान जाएगा कि वो पृथ्वी पर ही है। लेकिन एक परेशानी है, एस्ट्रो स्मर्फ को ये प्लैनेट इतना अच्छा लग गया है कि वो यही रहना चाहता है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ वो पास में ही है, मैं उनके स्मेल को सूंघ सकता हूँ, उनके फील को महसूस कर सकता हूँ। जरा देखूं तो सही, ये क्या है? ये तो छोटू गैंग नहीं है। ओए गार्गमेल ने हमें कैसे ढूंढ लिया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी हालत पतली होने वाली है। मेरा क्रिस्टल बॉल, चूर चूर हो गया, मेरी सीट भी जल गई। अब मैं उन छोटुओं को कैसे ढूंढूंगा? चिपकली जैसी जीव वालों, एक तो मेरी सीट जलिंग, ऊपर से ये बारिश रेनिंग, और मेरा क्रिस्टल बॉल चकनाचूर होविंग, इससे बुरा और क्या हो सकेंग? मेरी बाई आँख फड़क रही है, इसके पीछे वो बुढ़ऊ है। ऐसे याल मेरी खोपड़ी तोड़ेगी क्या? उतर वरना बिल्ली से गधा बना दूंगा। ये जगह तो बड़ी खतरनाक है। ओए सुन, सूफ बनने के लिए तुझे साबित करना होगा कि तू बहादुर है। ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा? हम तुम्हें कई बार गुल 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 घुमाएंगे, फिर तुम्हें भूल जाए में भाला मारनी होगी। कौन सी भूल साए? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओए सूफ बनने के लिए यही एक तरीका है। मक्खन लगा पोल तैयार करो। अब दूसरे टेस्ट के लिए तुझे ऊपर तक चढ़ना होगा, समझ गया? मैं तो इसके ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। उस मक्खन लगे पोल पर चढ़ने के लिए उसे 100 साल लग जाएंगे। हाँ, कम से कम 100 साल लगेंगे। मुझे मक्खन लगा पोल बिल्कुल पसंद नहीं। देखो मैं चढ़ गया। बड़ा आसान था। देखिए इस बस जरा भी मक्खन नहीं लगी है। क्या कहा, मक्खन नहीं लगा? और इतने क्या किया क्लमजी? अब मुझे लगा ग्रीडी लगाने वाला है, उसने कहा भी था सच में। और मैंने सोचा था क्राउची लगाने वाला था। मक्खन लेजी लगाने वाला था। अब तुझे इस झील को तैर कर पार करना है। कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा स्विमर हूँ। हाँ, मगर उस चट्टान को उठाकर। चट्टान को उठाकर? लेकिन ये तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। अरे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना है, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है क्या? आपने मुझे देखा है? नहीं, मेरा मतलब है कि। ओ तू टाइम वेस्ट मत कर, तुझे सूफ बनना है तो झील चट्टान उठाकर पार करना होगा। अरे वाह, ये तो और भी आसान होगा। ये क्या मजाक है, तुमने देखा वो पत्थर तैर रहा है। ओए अब समझा, ये तो पमिक पत्थर है। अब तुझे एक फाइनल टेस्ट पास करना होगा। मैं तैयार। तुझे साबित करना है कि तू सूफ जितनी कड़ी मेहनत कर सकता है। तुझे खाना बनाना होगा, बर्तन धोने होंगे और झाड़ू पोछा लगाना होगा। और हर सूफ के आगे तुम्हें झुककर सलाम करनी होगी। पैरों को किस करना होगा। लेकिन... और तुझे खाने को सिर्फ घास मिलेगी। ना तुम गा सकोगी ना सीढ़ी बजाओगी। तुम्हारा दिल करे तो भी नहीं। ड्रीमी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी ना क्रिसमस में ना ही दिवाली में। तो तुझे सूफ बनने के लिए ये सब चीजें करनी होंगी। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने पृथ्वी पर जाने का फैसला कर लिया है। पता नहीं क्या बात है, इतनी नींद क्यों आ रही है। थोड़ी छपकी ले लेता हूँ। ओ वो सो गया है। बच्चों मेरा रास्पबेरी जूस काम कर रहा है, चलो वापस पहले जैसे बन जाते हैं। हुँ।
नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब और कितनी दूर पापा? जोर लगा के हैया। ये मैं कहां गया? एस्ट्रो स्मर्फ जिंदाबाद। सब मिलकर बोलेंगे 3 बार हुर्रे 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 हुर्रे। मैं घर आ गया, मैं घर आ गया, मैं सितारों की दुनिया में हो आया। पता है उस प्लैनेट पर नन्हे नन्हे सूफ रहते हैं। ओ सूफ, उन्होंने क्या कहा? वो चाहते थे कि मैं वहीं रह जाऊं, लेकिन मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। कहीं तू वापस जाने की तो नहीं सोच रहा? वैसे दूसरे प्लैनेट पर उड़कर जाने का मन तो करता है, लेकिन वहाँ उतना खुश नहीं रहते जितना आप घर में रहते हैं। घर जैसी जगह और कोई नहीं। ये सब उस दाढ़ी वाले बाबा की करतूत है, उसे इसकी सजा मिलेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।